स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। दोस्तों कहना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मानदेय पर चर्चा करने के लिए बनाया गया, और कारण क्या रहा है कि मानदेय चार चार महीनों से बहनों का लटका हुआ है, उसके संबंध में आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूं। साथ ही कहना चाहूंगा, ये वीडियो पूरा देखना। और एक और चीजें निकल के मीडिया में आई थी जैसे न्यूज पेपर के जरिए कि आशा बहनों का मानदेय, जी हाँ उनका भी मानदेय बताया जा रहा था कि 750 रुपए अलग से उनको प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। खैर न्यूज़पेपर ने छाप दिया है तो कोई हकीकत जरूरी नहीं है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर हकीकत नहीं दिखाता। तो जो भी चीज़ें होंगी, जब उसका शासनादेश आएगा उन चीज़ों का आशा बहनों के लिए, मैं तभी आप लोगों को खुलकर के उस चीज़ के ऊपर बता सकूंगा। पहले हम आते हैं आंगनबाड़ी बहनों की इस दशा पर। जी हाँ, चार माह से आधा मानदेय पर हो रहा है उनका गुजर बसर। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और देखते हैं क्या कमियाँ हैं सरकार के पास में, बजट आखिर क्यों नहीं निकलता। क्योंकि आंगनबाड़ियों को सरकार काम तो बढ़ा रही है, वहीं पर इन लोगों के लिए जितना दे रहे हैं गिना चुना 4,000, 3,000, 5,000, 6,000, इसके लिए उनके पास में बजट नहीं निकल रहा है। मतलब हद करती हैं राज्य सरकारें, और ये सारी की सारी कमी केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है। कहना ये चाहूँगा कि मोदी जी जब से आए, उन्होंने ही आंगनबाड़ियों को उठा करके, केंद्र से उठा करके राज्य सरकारों पर सौंप दिया, और जिससे ये जो समस्याएं बहनों की हो रही हैं। केंद्र का पैसा तो खैर आ जाता है, वो भी हर जगह नहीं आ रहा है समय समय पर। अभी तो आपको मैं टीकमगढ़ से ये खबर दे रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहाँ पर भी बहने 4-5 महीने से वहाँ मध्य प्रदेश में परेशान है, उत्तर प्रदेश में भी सेम हालत है। किसी किसी का 6-6 माह से मानदेय लटका है जनवरी से, और किसी का 2-2, 3-3 महीने का आगे पीछे चलता रहता है। तो कहना चाहूँगा कि मानदेय को लेकर के सरकारें जरा भी चिंतित नहीं है। विभाग तो इतनी लापरवाही बरत रहा है कि जिसकी तो सारी हदें ही पार हैं। अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में भी सेम हालत, और वहाँ पर जो चल रहा है वो तो मतलब कहना ही नहीं। क्योंकि जो PFMS के जरिए भुगतान होने थे, जिसको लेकर के डायरेक्टर जी ने तो आदेश दिए, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे, ना तो कोई DPO CDPO गंभीरता दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ियों का, बहुत सी बहनों का व्हाट्सएप और उनका आधार लिंक ही नहीं किया है वेबसाइट से, जिसके चलते बहनों का मानदेय आ नहीं रहा। दूसरी बात, सरकार जो है, राज्य सरकारें इतनी ज़्यादा उनकी तंगी गुजर रही है, या वो जानबूझकर ये काम कर रही हैं कि आंगनबाड़ियों के लिए बाल विकास का जो बजट है उसको दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं। दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा बजट कर रहे हैं, जब बजट निकलता है तो न्यूज़पेपर में इतना मोटा मोटा न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं कि इतना बजट दिखा दिया गया, लेकिन वो बजट कितना होता है जरा उसकी हकीकत तो देखी जाए कि वो खर्च कितने दिन का है आंगनबाड़ियों के पैसों का भुगतान। तो इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूं, आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन वीडियो को, हमारे ऑल इंडिया के जो भी वीडियो होते हैं उनको फेसबुक और व्हाट्सएप पर, यहीं नीचे जहां पर लाइक करते हो पास में शेयर लिखा होता है, शेयर पर करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करेंगे। कहना चाहूँगा, लाइक तो जरूर करना, चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। टीकमगढ़ से ये खबर निकल के आ रही है कि जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की पिछले 4 माह से आधे मानदेय पर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार से अतिरिक्त जो मानदेय का बजट ना मिलने के कारण कार्यकर्तियों को केवल केंद्र सरकार से ही मिलने वाले मानदेय से अपना गुजारा जो है करना पड़ रहा है। कार्यकर्ता की माने तो विभाग इस बार भी पूरा मानदेय मिलने का आश्वासन दे रहा है। ऐसे ही आश्वासन बराबर दे रहे हैं, चाहे मानदेय बढ़ोतरी को हो, चाहे आपके मानदेय जो मिल रहा है उसी मानदेय को समय पर भुगतान के हो। नियम ये कहता है, कायदा कानून ये कहता है विभाग का, कि अगले माह की 7 तारीख को आपका पैसा आ जाना चाहिए, 7 तारीख के अंदर। कहने का ये मतलब, जैसे मान लीजिए सितंबर माह चल रहा है, तो सितंबर माह जब पूरा हो जाएगा तो अक्टूबर के 7 तारीख तक सितंबर वाला पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन विभागे इन पर लापरवाहियां कर रही हैं और कहती क्या है कि आंगनबाड़ी समय से काम नहीं करती है, इनकी निगरानी के लिए व्हाट्सएप नंबर बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमारे पास एक और मैसेज आया है, मैं आपको वो मैसेज भी पढ़ करके बताऊँगा। ये रहा मैसेज, हमें भेजा गया है और ये ऑल इंडिया के लिए, उसे भी हम पढ़ूंगा, उसे बहुत अच्छे से देखना। बहन ने हमें लिख करके भेजा है। कहना चाहूँगा, वहीं पर कार्यकर्तियों को जहाँ 4500 रुपये में अपना खर्च वहन करना पड़ रहा है, वहीं सहायिकाओं को केवल 2000 रुपये में ही अपना बेचारी बहनों को परिवार चलाना पड़ रहा है। 4 माह से मिल रहे आधे मानदेय के कारण इनका बजट गड़बड़ा गया है। इस बार त्योहारों का सीजन शुरू होने के बाद अब इन लोगों को रुपयों की जरूरत महसूस हो रही है। रुपए की जरूरत तो ये न्यूज़पेपर वाले दिखा रहे हैं कि त्यौहार आने पर हो रही है, दरअसल रुपए की जरूरत आंगनबाड़ी सहायिका आशा हर बहन को
जो है हर महीने रहती है, हर समय रहती है, हर दिन रहती है, क्योंकि इतने कम पैसों में किसके घर का खर्च चलता है तो वही जानती हैं। और यहाँ पे त्यौहार तो भूल जाइए, त्यौहार तो उनके सुने जाते ही हैं, साथ ही साथ उनके जो डेली के दिन हैं। सरकार कहती है कुपोषण को मिटाओ, अरे कुपोषण को मिटाने वाली बहनें जब कुछ नहीं खा सकती, इनके बच्चे नहीं खा सकते, तो कहाँ से ये बेचारी कुपोषित होकर के सुपोषित हो पाएंगी। और सरकार कहती है कि आप जो है घर में सब्जी उगाएं, ये करें, अरे जब यही करना है तो हमें फिर आप क्या बता रहे हैं, क्या कोई कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को कुपोषित देखना चाहेगी। हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, अच्छा अच्छा खाए, लेकिन उसके लिए सरकार क्या किसी को रोजगार दे रही है, आमदनी बढ़ा रही है, ऊपर से टैक्स का बोझ लाद रही है। अरे जब आपको सुपोषित ही करना है तो लोगों पर टैक्स का बोझ थोड़ा कम करिए, वो तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, सिलेंडर में सब्सिडी छोड़ दीजिए, इधर टैक्स ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये सब आप तो बढ़ा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि कुपोषित जो है हो रहे हैं, कुपोषित आप कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। यहीं पर कहना चाहूँगा ये हकीकतें हैं जो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है वहीं विभाग इस बार जो है केवल आश्वासन देता दिखाई दे रहा है, विभाग हमेशा आश्वासन देता है, मई से नहीं आ रहा है बजट, उनका कहना है मई से बजट ही नहीं सरकार लाई है, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त चलने को है, और मध्य प्रदेश में बहनों के लिए बजट सरकार राज्य सरकार नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश की हालत यह है, कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार, लोग क्या कहते हैं भाजपा अच्छी, कोई कहता है कांग्रेस अच्छा, अरे मैं कहता हूं कोई सरकारें अच्छी नहीं है। किसने आंगनबाड़ी के लिए अच्छा किया, किसी ने नहीं किया, सरकारें जैसी हैं वैसी ही हमेशा होती हैं और हमेशा रहेंगी। आपको सोचना है कि आप अपना हक लेना चाहते हैं या नहीं। एक तो बजट में कटौती भी की, मध्य प्रदेश में 1500 की ऊपर से जो मिल रहा था वो भी नहीं सरकार वहां दे रही है। इस और लालच क्या दिया था आंगनबाड़ी बहनों को मध्य प्रदेश में, लालच ही तो सबसे बड़ी बुरी चीज है। कमलनाथ ने कहा कि हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, हम आपको जो है नियमितीकरण बहनों का किया जाएगा, इसी झांसे में आकर के बहनें बेचारी जो है वहां पर कांग्रेस की सरकार ले आई। अब कांग्रेस की सरकार ये आई तो ये वाली सरकार ये दिन दिखा रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार हटी, भाजपा सरकार आई तो वो अपने ये दिन दिखा रहे हैं। तो हर सरकार जब आती सत्ता में 5 साल शोषण जम करके करती है। वहीं पर कहना चाहूंगा लिखा हुआ विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मई माह से अतिरिक्त मानदेय का बजट नहीं आया है। प्रदेश सरकार से बजट ना मिलने के कारण मई जून जुलाई और अगस्त माह का इनका आधा मानदेय लटका हुआ है। इस संबंध में विभाग जल्द ही बजट आने की बात कर रहा है। अब बात ही तो कर रहे हैं, आश्वासन ही देंगे, ये तो नहीं कह देंगे कि हम बजट नहीं लाएंगे, सरकार दे नहीं रही है, तो ऊपर से इन पर और सवाल होंगे, ऊपर से और धरने बढ़ेंगे। वहीं मिल रहा है आश्वासन, विदित हो कि टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में मिलाकर कुल 3554 जो मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हैं। टीकमगढ़ में जहां 2586 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं, वहीं निवाड़ी में 970 कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हैं। मई माह से अतिरिक्त मानदेय उनका नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें वहां पर समस्या है। और अब आपको देखते हैं, और ये सभी चीज़ें जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जो है दिनेश दीक्षित जी ने बताई भी हैं। वहीं पर कहना चाहूँगा अपना जो नया चैनल है SLR न्यूज़, उसकी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर ये होममेड जो क्रिएशन वाला बैग बनाया गया है, ये दरअसल बैग इसलिए यहाँ पे बनाया गया कि आप सब देखते हैं पॉलीथीन पर बैन है, अच्छी बात है, पॉलीथीन पर बैन होना भी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण बहुत हो रहा है पॉलीथीन से, कूड़े में जाता है तो बेचारे जानवर खाते हैं तो उनको खतरा होता है, ऐसे तमाम चीज़ें छोटी मोटी। पॉलीथीन ना तो जला सकते हैं, प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, ज़मीन में डालेंगे तो अपना मृदा प्रदूषण, हर तरह से प्रदूषण। इस वजह से कहना चाहूँगा ये थैले आप घर में बना सकती हैं बहनों, और इन्हें आप चाहे बाजार ले जाएँ, चाहे इसमें कपड़े रख करके कहीं ले जाएँ, और अच्छे से इनका यूज़ भी कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं अपने SLR न्यूज़ चैनल पर, वहाँ पर पूरे वीडियो दिखाए जाते हैं, हिंदी में बताया भी जाता है कैसे कटिंग करनी है, कैसे इसकी सिलाई करनी है, सब कुछ। तो अगर आप चाहती हैं जुड़ना तो कमेंट में लिंक लिख देना, या डिस्क्रिप्शन में आप जाना जानती हैं तो वहाँ पर सीधे चली जाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहीं से लिंक ले सकती हैं। वहीं पर हमारे पास ये मैसेज भेजा गया है, एक बहन है दीपा गुप्ता जी, उनके द्वारा उनके केंद्र की ये एक तस्वीर है वहाँ पर पढ़ाती हुई, और उन्होंने ये लेटर हमें लिख करके भेजा है, और उनका क्या कहना ये हम देखते हैं। लिखा सुधांशु भैया जी प्रणाम, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज, और इन्होंने लिखा है मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सभी सरकारों से पूछना चाहती हूं कि व्हाट्सएप नंबर के अंदर हमें ले रहे हैं, क्या हमारा मानदेय हमें संतुष्ट कर रहा है? 5500 रुपये में तो दिन रात काम ले रहे हैं, जिससे हम ना तो स्वयं को समय दे रहे हैं और ना ही परिवार को। व्हाट्सएप की और जो है कमी या रह गई कि पहले से हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें वो लोग, और हमारा वेतन कम से कम जो है 25,000 रुपये करें, तब हमारे ऊपर व्हाट्सएप की निगरानी करें, तब जो है
तब तो हम सब जो है सभी राज्यों की बहनों के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो ये सरकार की जो तानाशाही है जो कि ना इंसाफी की हद तक है। और आज जो उनका कहना है, मध्य प्रदेश की जो मंत्री जी हैं, आपको इमरती देवी जी को दिखाया था, उन्होंने एक नंबर लॉन्च किया था व्हाट्सएप वाला, इन्हीं की तरह बाकी सरकारें भी जो है, राज्य सरकारें भी जो है वो भी करेंगी। मैं इसका विरोध करती हूँ क्योंकि बहन ने इन चीज़ों को समझा है, और ये वो बहन है जो मेरे ख्याल से हर वीडियो देखती है, हर राज्य के वीडियो देखती है, अधिकतर बहनें देखती हैं, और मेरी उम्मीद भी यही रहती है, मैं चाहता भी हूं, इसीलिए मेरा मकसद भी यही था कि ऑल इंडिया के नाम से ही सारे ग्रुप हों, अलग अलग अगर ग्रुप रहेंगे तो लोग उतने ही क्षेत्र में सीमित रहेंगे, उनका ज्ञान सिर्फ अपने राज्य में ही रहेगा, अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी के साथ क्या हो रहा है और अन्य राज्यों में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, सरकार क्या क्या आगे कदम उठा रही है, कल को वही चीजें हमारे यहां भी होने को होंगी, लागू जरूर होंगी। और इन चीज़ों को देखते हुए मैंने यही उद्देश्य रखा कि हमारी बहनें हर जगह की खबरों को देखें, पूरा चैनल का वीडियो देखा करें ताकि उनकी समझ में कुछ आए और आगे के लिए वो कुछ अपडेटेड हों, जागरूक हो सकें। तो बहन वहाँ पे सब वीडियो देखती हैं, उन्होंने विरोध किया मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसका भी, और वो ये भी समझती हैं कि आने वाले समय में सरकार यहाँ भी ऐसा करेगी। खैर, निगरानी के लिए तो आंगनबाड़ी के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे ऐप और मोबाइल वगैरह का काम तो सौंप ही दिया गया है, ये सब चीज़ों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। उन लिखा है, धन्यवाद आपकी बहन दीपा गुप्ता, यदि इसमें कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए जो है हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। वहीं पर कहना चाहूँगा, ये तो बहन ने हमें ऑल इंडिया पर आवाज़ उठाने के लिए लेटर भेजा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बहन इन चीज़ों को शेयर जरूर करेंगे, और अपना ये जो चैनल है SLR न्यूज, ये बहुत अच्छी तरीके से बनाया है खास करके आप सभी बहनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी सभी महिला बहनें जुड़ी हैं, आप सब बहनें जुड़ी हैं, तो आप लोग घरों में हैं, कुछ ना कुछ सीख सकती हैं, आपके बच्चे सीख सकते हैं, जो होंगी बहनें, तो वो इन चीज़ों के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं। यहीं पर ये बैग वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप मार्केट में ले जा सकती हैं, चाहे शॉपिंग करने के लिए या बाजार में कुछ खरीदने के लिए, यानी कि पॉलीथीन नहीं चलानी चाहिए हमारे ख्याल से, या कि सभी के लिए, क्योंकि पॉलीथीन एक वो चीज़ है जो ना तो नष्ट होती है, कभी भी नष्ट हो ही नहीं सकती, आप जलाएंगे तब भी नहीं, तो ये मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर तरीके से प्रदूषण फैला। दूसरी तरफ जानवर जो बेचारे हैं इधर उधर कूड़े के ढेर में जाती हैं पन्नियाँ, वो भी बेचारे खाते हैं, तो उनको भी काफ़ी जो है नुकसान होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन सब चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं, जो चीज़ें हम अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं, जिन्हें आप लोग देख करके सीख सकती हैं, और वीडियो को इन्हें भी आप शेयर कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।